शांत रहो। सभी आप लोगों से शांत रहो। बिहार के मुख्यमंत्री प्रेजेंट और कंटिन्यू अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और सभी मीडिया के साथी महागठबंधन जो ग्रेट विक्ट्री दिया है बिहार की जनता ने, गरीबों ने, पिछड़ों ने, दलितों ने और गरीब के लोगों ने, अनुच जात के भाइयों ने भी गरीब लोगों ने दिया। इसके लिए हम दोनों भाई आभार व्यक्त करते हैं और भाजपा का बिहार की महान जनता ने, भाजपा का बिहार का जनता ने सुफरा साफ कर दिया और नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार का तरक्की विकास तेजी से हम लोग मिलकर के बिहार को हम नेशनल मैप पर हम लोग ले जाएंगे। और साथ ही साथ नौजवान हमारे हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, वंचित समाज है, अंतिम पायदान पर जो बैठा हुकूम के लिए पूरा परिश्रम हम करेंगे। और चुनाव के दौरान हमने ऐलान किया था कि देश हित में भाजपा को दिल्ली के गद्दी पर एक दिन भी रखना देश को टुकड़ा टुकड़ा करने के बराबर है। इसलिए जन आंदोलन हम खड़ा करेंगे। जो हमने कमिट किया है, यहाँ नीतीश कुमार जी बखूबी सरकार को चलाएंगे और हम बिहार को हम लोग सब मिलके पूरा देशवासियों को, मैं जो सारे लोग टकटकी लगाते देख रहे थे, बिहार ने नया दिशा दिया, नया डायरेक्शन दिया देश को। और पूरे देश में हम दौरा करेंगे, हम फ्री रहेंगे और हम नरेंद्र मोदी फासिस्ट कमल सरकार को हम लोग उखाड़ फेंकेंगे। बिहार ने नया राह दिखाया है। मीडिया के सब साथियों को, जो भी आप लोगों ने सर्वेक्षण किया, मेरा सर्वेक्षण सही निकला, हम अप्रोचिंग तक पहुंच गए हैं। हमारा सर्वेक्षण राइट और बाकी का सबका फेल। और नीतीश कुमार को बहुत बहुत बधाई, बहुत धन्यवाद। हम अप्रोचिंग तक पहुंच गए हैं। हमारा सर्वेक्षण राइट और बाकी का सबका फेल। और नीतीश कुमार को बहुत बहुत बधाई, बहुत धन्यवाद। आप लोगों को धन्यवाद और सब कार्यकर्ता को यूनाइटेड। देखो भाई, कोई आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस पार्टी नहीं थी, महागठबंधन जिंदाबाद लोगों ने नारा लगाया। जो एकजुटता दिखाई है हम लोगों में, कोई भी चाहेगा कि कोई फूट फाट करावे, आगे पीछे करे, हम लोग 10 समय हिलने वाले नहीं हैं। जब हम लोगों को इतना बड़ा मैंडेट बिहार की जनता ने दिया, भूपा में खड़ा होकर, त्योहारों को त्याग करके, बिहार की जनता ने, नौजवानों ने, पिछड़े वर्गों के लोगों ने, अकलियत के भाइयों ने, दलित, महादलित, आदिवासी, आउट जात के गरीब भाई लोग भी दिए। आज जिस अखबार को कुछ बोले भी तो हम वापस ले लेते हैं, रात फोन करके बोलते हैं। हमारा हमारी मां बहने गरीब महिलाओं ने जो प्रदर्शन दिखाया, जो एकजुटता दिखाया महिलाओं ने, दबे कुचले वर्गों की महिलाओं ने, मिडिल क्लास के महिलाओं ने, उनके अरमानों का बिहार, उनके अरमानों को हम भारत बनाने में हम लोग पूरा का पूरा योगदान देंगे। आप लोगों को बहुत धन्यवाद। हम भारत बनाने में हम लोग पूरा का पूरा योगदान देंगे। आप लोगों को बहुत धन्यवाद। देखो है भाई, देखो है लड़का, देखो देखिए आप, हाँ बात सुनो। देखो मुख्यमंत्री जी को नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री ने बधाई दिया, बहुत अच्छी बात है। और देश भर के सब नेताओं ने इन स्पाइट ऑफ पार्टी पौआ सब लोग हम लोगों को बधाई दिए। सोनिया जी, उनका पूरा परिवार, इनको भी दिए, जेटली जी दिए, राजनाथ भाई दिए, सब लोग तो दे ही रहे हैं। लेकिन हम आज के अवसर पर जो देश का हमारा इशू है, जो हमारा सवाल है, बधाई हम लोग पॉलिटिकल आदमी हैं, हम लोग स्वीकार करते हैं, लेकिन हम अपना लड़ाई को चौक और तेज करते रहेंगे। इसका इतना बड़ा असर पड़ेगा दुर्गा में कि आप अंदाज नहीं लगा सकते। इतना बड़ा दुर्गामी सरकार में जा रहा है। इसमें मोदी जी का सरकार, आरएसएस सरकार बिल्कुल भरोसाही हो जाएगी। 2019 में ऐसा माना जा रहा है कि नीतीश कुमार दिल्ली में टक्कर लेंगे मोदी जी। 2019 में चले गए। सबसे पहले भाई दस दिन के बाद हम बनारस जाएंगे, लालटेन लेके। छठ के बाद लालटेन लेके बनारस जाएंगे। ये क्या वादा किया था। अब बाकी 4 बजे नीतीश जी के घर पर आएंगे, वहाँ किसी होगा। लालू ने कहा कि 4 बजे पीसी होगी। ये वो तस्वीरें देखिए, ये फेविकॉल का मजबूत जोड़ अभी नजर आ रहा है। दोनों के दोनों जिस तरह से गले मिल रहे हैं। लालू ने डंके की चोट पर कहा कि सब एग्जिट पोल फेल, लालू का पोल बिल्कुल पास, और ये भी साफ कर दिया। वैसे इतनी देर में राणा सर, नीतीश जी कुछ नहीं बोले, मंद मुस्कुराते रहे। मीडिया मैनेजमेंट का काम पूरी तरह से लालू के हाथ में थमा दिया उन्होंने। हाँ, मुझे लगता है कि नीतीश कुमार को यहाँ बोलना नहीं था। लालू के घर आए थे वो, लालू के घर आकर के वो मीडिया के सामने आए। यह दिखाना जरूरी था कि हम दोनों साथ हैं। आप लालू प्रसाद यादव की बात कुछ सुनिए। वो कहते हैं कि चाहे कोई भी जोड़ तोड़ करने की कोशिश करे, हम टस से मस नहीं होंगे। हम दोनों मिलकर के आए हैं, हम दोनों मिलकर के सरकार चलाएंगे। मोटे तौर पर लालू प्रसाद के घर आकर के लालू प्रसाद ने जो कुछ भी किया है, और लालू प्रसाद यादव के चलते महागठबंधन की आज की तारीख में जो स्थिति है, उसका शुक्रिया अदा करने के लिए नीतीश कुमार आए थे। और इस फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए जो अब देश पूरा देख रहा है, लालू प्रसाद यादव को यहाँ से बताना था कि देखिए हमारी ताकत यही है, और अगर मैं और नीतीश मिल गए तो बिहार की जनता ने देखिए किस तरह का जनादेश दिया है। और इसका फायदा उन्होंने इस बात के लिए उठाया कि जो जनादेश बिहार की जनता ने दिया है, यह दरअसल मोदी सरकार, मोदी की नीति, मोदी की नीयत के खिलाफ है। और यही वो बार बार कहते रहेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि जो कुछ भी है, बिहार ने जो कुछ जनादेश दिया है, दिल्ली की तरह का जनादेश मुझे लगता कि है। 3/4 सीटें महागठबंधन के पास हैं, और बार बार इसका फायदा वो मोदी सरकार की नीतियों और मोदी के किए गए काम, मोदी की रणनीति, इन सब को खारिज करने के लिए ही करेंगे। आगे की अपनी रणनीति भी साफ कर दी है। उन्होंने कहा है कि पूरी तरह से जन आंदोलन खड़ा करेंगे। 10 दिन बाद वो बाकायदा बनारस जा रहे हैं कि क्या किया मोदी जी ने, मतलब उनके घर में घुसकर चुनौती देंगे। लालू प्रसाद यादव इस काम में माहिर हैं और उनका अंदाज है। उनके पेट में खाना भी नहीं पचेगा अगर वो बनारस नहीं जाएंगे, लालटेन लेकर के वहां जाके घूमेंगे, पूछेंगे, तो अपने तरीके से घूमते फिरते चलते रहते हैं। और लालू प्रसाद यादव का जो ये तरीका है, जो अंदाज है, यही लोगों को बहुत पसंद आता है। देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस, सुनो सुनो सुनो, तो ताली पीट करके सुनाते हैं कि देखो इधर आए, इधर मत जाओ, इधर देखो, मस्खरे की जो उनकी कुछ है। लेकिन वो वैसे ही है, जमीनी आदमी है और जमीनी सोच रखते हैं, उनमें कोई लाग लपेट नहीं है। जो कहना है मुंह पे कह देते हैं, अगर नाराजगी है तो तुरंत बोल देंगे, खुश हैं तब तुरंत बोल देंगे। तो लालू प्रसाद यादव का जो अंदाज है, इसी को लोग पसंद करते हैं। अगर वो बदल जाएंगे तो वो पसंद नहीं किए जाएंगे। लालू प्रसाद यादव ने इसी बूते अपनी जगह बनाई है, इसी बूते अपनी पहचान बनाई है और इसी के बूते उनका जनाधार है। और आज लालू प्रसाद यादव जो भी हैं, उसी के बूते यह महागठबंधन के पास 2/3 सीटें हैं और बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई में अगली सरकार है। लेकिन लगातार, क्योंकि ये फॉर्मल पीसी नहीं थी, मुझे लगता है कि दोनों जुटे और उन्होंने एड्रेस करना शुरू कर दिया आरजेडी। ठीक है, जिस तरह से उन्होंने अभी से ये संकेत देने की कोशिश की कि देखिए वोट जो मिला है वो महागठबंधन को मिला है, जो जय जयकार हुई वो महागठबंधन की हुई, तो कोई आरजेडी नहीं है, कोई जेडीयू नहीं है, कोई कांग्रेस नहीं है, फूटपाट नहीं, हम टस से मस नहीं होने वाले, ये संदेश देना कार्यकर्ता लेवल पर जरूरी था, इसलिए यहाँ पर बोल दिया। हाँ, चूंकि अब मुझे लगता है कि इस गठबंधन के मुखिया लालू प्रसाद यादव ही हैं, वो किंग मेकर हैं, नीतीश कुमार से वैसे भी बड़े हैं, नीतीश कुमार उनको बड़ा भाई कहते हैं। देखिए, मुझे बधाई देने से अच्छा होगा कि बिहार की जनता को अगर हम बधाई दें, खास करके जो महिलाओं और नौजवानों को हम बधाई दें, क्योंकि इतनी भारी संख्या में वो निकल करके आके महागठबंधन के पक्ष में उन्होंने जो वोट किया है, तो उसके लिए बिहार की जनता को बहुत बहुत बधाई हो और उनके धन्यवाद करती हूँ जो महागठबंधन के पक्ष में उन्होंने वोट किया। शुरू से ये दिखाया गया कि काफी कांटे की टक्कर, एग्जिट पोल्स में भी दिखाई कांटे की टक्कर, किसी एक बहुमत नहीं, लेकिन अब आगे आ रहे हैं, एक तरह से एग्जिट पोल सारे के सारे नकारे जा चुके हैं। देखिए, शुरू से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे थे कि हमें कोई चिंता की बात नहीं है, चाहे वो ओपिनियन पोल हो चाहे एग्जिट पोल हो, कभी भी वो हमारे फेवर में नहीं जाता है। तो उनको अपने जनता के बीच कॉन्फिडेंस था और उन्होंने हमेशा कहा कि 190 हम जीतेंगे और कहीं ना कहीं 175 प्लस हम कर रहे हैं, अभी भी हम बढ़त हासिल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें बिहार की जनता का योगदान रहा है। मैम, अब विकास से शुरू हुई की बात गाय से पे आई, पाकिस्तान पे आई, जात पात पे आई, रिजर्वेशन पे आई, तो एक तरफ विवादों का इलेक्शन बहुत पूरा है। नहीं, देखिए, हमने कोई आरक्षण की हमने तो शुरुआत की नहीं थी। किसने शुरू किया? मोहन भागवत जी ने आरक्षण की शुरुआत की। तो क्योंकि महागठबंधन हमेशा से आरक्षण का पक्षधर रहा है, तो हम अपने आरक्षण की बातों को लेकर जनता के बीच में गए और अपनी बातों को रखा। दूसरा, उन्होंने एक दादरी की इश्यू को बनाने की बहुत कोशिश की और उसके लिए भी मैं बिहार की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने इसको मुद्दा बिल्कुल ही नहीं बनने दिया। जो रिजर्वेशन पे था उसका नुकसान हुआ आपको लगता है बीजेपी? नहीं, बिल्कुल हुआ, बिल्कुल हुआ, बिल्कुल हुआ है, पूरा जो दिख रहा है वो बिल्कुल हुआ। यहाँ तक कि हमारे प्रधानमंत्री जी विकास विकास बोलते रहे और विकास के मुद्दे से वो खुद ही भटक गए। हमेशा वो जादू टोना, तंत्र मंत्र और इस तरह की भाषा, जो उनके सभा में जो भीड़ जाती थी वो जनता अपने लिए सुनने जाती थी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जनता के लिए क्या करेंगे, वो महंगाई पे क्या बोल रहे हैं, वो भ्रष्टाचार पे क्या बोल रहे हैं, वो और जो बिहार के और नौजवान के रोजगार के लिए वो क्या करेंगे, तो ये सुनने जाती थी। लेकिन मीडिया ने उसको दिखाया कि प्रधानमंत्री जी की सभा में बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है, तो भीड़ कभी भी जीत का पैमाना नहीं हो सकता। आखिरी सवाल, किस एक चीज को सबसे बड़ा श्रेय देंगे आपकी जीत? देखिए, मैं बिहार की जनता को देती हूँ कि इतने सारे, चाहे वो एनडीए गठबंधन का प्रधानमंत्री से लेकर के पूरा मंत्रिमंडल यहाँ पे बैठा था, सिर्फ मंत्रिमंडल ही नहीं, जहाँ भाजपा शासित राज्य जो हैं उनके चीफ मिनिस्टर से लेके उनके मंत्री तक यहाँ पे बैठे थे, यहाँ तक कि फिल्म स्टारों को भी उपयोग में लाया गया। लेकिन बिहार की जनता बहुत समझदार है, उन्होंने प्रधानमंत्री को और उनकी पूरी जमात को देख लिया और कहीं ना कहीं ये बिहार की जनता का जीत है। सीएम तो तय है, डिप्टी सीएम कौन होंगे? देखिये, ये कोई हमारे लिए मुद्दा नहीं है, क्योंकि अभी तो आज रिजल्ट आया है और सीएम पहले से भी हमारे तय हैं, तो नीतीश कुमार जी हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा है और मुख्यमंत्री वही बनेंगे। लेकिन जो डिप्टी सीएम का जो आप प्रश्न उठा रहे हैं, इसमें हमारे जो नेता हैं वो मिल बैठ करके आपस में तय कर लेंगे कि इसका क्या रोल होगा। तो मीसा भारती यहाँ पर डिप्टी सीएम की बात को पूरी तरह से नकार नहीं रही थी, बोला उन्होंने कि हमारे नेता बैठेंगे और मिलकर इसको लेकर फैसला हो जाएगा, यानी कि बहुत ओपन एंडेड उन्होंने छोड़ा है। एक छोटे से